नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड, क्या इस कंपनी को बाई करना चाहिए, क्योंकि यह कंपनी आप देखेंगे 12.90 रुपये से गिरते हुए आज क्लोज हुआ है 4.45 रुपये के पास में। अगर इस कंपनी के 52 वीक लो की बात करें तो 38 पैसे का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में क्या इस कंपनी को बाई करना चाहिए, या फिर जो लोग इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उन्हें भी अपना माल बेच के निकल जाना चाहिए। फ्रेश इंट्री जो लोग करना चाहते हैं उन्हें किस प्राइस पे बाई करना चाहिए, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस न करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो देखते हैं इस कंपनी के डिटेल को। दोस्तों अगर इस कंपनी के लॉन्ग टर्म के चार्ट में हम डिटेल देखें तो आप देखेंगे कंपनी में एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिला। यहां पर यह कंपनी संभलने की कोशिश किया लेकिन संभल नहीं पाया। उसके बाद इस कंपनी में एक और बड़ी गिरावट आपको देखने को मिला। यह कंपनी अपना सपोर्ट लेता है 200 DMA के पास में, अगेन बाउंस बैक करने की कोशिश करता है लेकिन 50 DMA पे रेजिस्टेंस फेस करता है और वहाँ से फिर से गिरते हुए यह कंपनी नीचे आ जाता है। तो क्या यह कंपनी फिर से 200 DMA के पास सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, जो कि 3.90 रुपये के पास का बनता है? तो जवाब है बिल्कुल हाँ, क्योंकि इस कंपनी का जो अगला सपोर्ट लेवल बनेगा वो 3.90 रुपये के पास का ही बनता है। तो देखते हैं शॉर्ट टर्म के चार्ट में। दोस्तों अगर कंपनी के शॉर्ट टर्म के चार्ट में हम डिटेल देखें तो यहाँ पे भी आपको 3.70 रुपये 3.65 रुपये के पास का लेवल देखने को मिलेगा। यानी कि जो लोग भी शॉर्ट टर्म के लिए इंटर हुए हैं वो चाहे तो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा कर चल सकते हैं। कंपनी अगर इस लेवल को ब्रेक करके इसके नीचे जाता है तो एग्जिट करने में ही भला आई है, क्योंकि उसके बाद यह कंपनी 2 रुपए के पास तक जाने की कोशिश करेगा। जो लोग इस कंपनी को बाई करना चाहते हैं सबसे पहले कंपनी का सपोर्ट लेवल बन जाने दें, उसके बाद इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए बाई करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में इस कंपनी में कुछ खास ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए जब भी बाई करें तो लॉन्ग टर्म के लिए ही बाई करें। अगर इस कंपनी में बड़ी ग्रोथ आप चाहते हैं तो आप चाहें तो 5.50 रुपये के ऊपर जब यह कंपनी निकल जाए उसके बाद बाई करते हैं तो इस कंपनी में एक बड़ी ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।